दिल्ली की कड़कती सर्दी, गुनगुनाती हुई धूप और गर्मा गर्म चाट पकौड़ी, क्या मज़ेदार कॉम्बिनेशन है ना। आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से शुरू होने जा रहा है नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, जिसमें हमारे देश भर के 25 से अधिक राज्य हिस्सा ले रहे हैं और 120 से भी ज़्यादा फूड के स्टॉल्स लगे हैं। ये देशी बोधक आगे जबलपुरिया छागे छागे छागे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम आए हैं हरिद्वार की मशहूर ताबड़तोड़ ठंडाई के स्टॉल पर। ये जो ठंडाई बना रहे हैं, ये अलग अलग तरीके का जो बन रखा है यहाँ पर, इसमें क्या अलग है ऐसा जो कहीं और नहीं है, या हरिद्वार का क्या स्पेशलिटी आप हमें आज देंगे? ये हरिद्वार की मशहूर ठंडाई होती है, काजू बादाम पिस्ता खसखस मगज काली मिर्च को पीस करके बनाते हैं। ये दिल और दिमाग को तेज करती है, आंखों की रोशनी को तेज करती है। ये पहलवानों वाली होती है, देसी माल होता है। पहली बार यहाँ पर ये स्टॉल लगा रहे हैं या पहले भी आप कभी यहाँ दिल्ली में आके यहाँ पे ये स्टॉल लगा चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार ही आया हूँ स्टेडियम के अंदर। हरिद्वार से बुलाया मेरे को, तो मैं यहाँ पहली बार ही हूँ। वहाँ तो हमारी लाइन लग के बिकती है, वहाँ तो नंबर ही नहीं आता। बिहार के लिट्टी चोखे से लेकर हमारे पास यहाँ पर है राजस्थान के मूंग दाल का चीला, जो कि हम देख रहे हैं गर्मा गर्म तवे पर वो बना रहे हैं। मूंग दाल से स्पेशल बनाया हुआ चीला है ये। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल इन्होंने इसमें डाला है कि राजस्थान की स्पेशलिटी को जो हमें दर्शाता है। इसमें मूंग की दाल होता है ये, उसको हम पीस के बनाते हैं, और ये मटर पनीर आलू इसके अंदर स्टफ होता है। जैसा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये दो अलग अलग तरह का रंग का ये जो लिट्टी है आपके पास, ये क्या इसमें अलग अलग किस तरीके का है? ये मैम, ये क्लासिक लिट्टी चोखा है मैम, जो सबसे बेस्ट में होता है मैम। ये मैंने नया स्टार्ट किया है सर यही साल से, ये ग्रीन लिट्टी चोखा है मैम। इसमें भी फीलिंग वही रहता है, लेकिन इसमें पालक मेथी और बथुआ का यूज होता है मैम, इससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। जो सर्दियों में हरी सब्जियां आती हैं उनका प्रयोग करके आपने ये हरी लिट्टी चोखा बनाया? हाँ, इसे बहुत फायदा होता है। अच्छा, इसमें ये पहली बार आप कह रहे, पहले भी ये स्टॉल लगाते रहे हैं आप यहाँ पर दिल्ली में ही लगा रहे? 5 साल से हम यहाँ आ रहे हैं फेस्टिवल में, दिल्ली में नहीं लगा रहे, पटना बिहार में हमारा दुकान है बेली रोड में। ये देशी बोधक आगे जबलपुरिया छागे छागे छागे। अच्छा, आप जैसे बोल रहे हैं कि जबलपुर का कुछ स्वाद हमारे लिए लेकर आए हैं, तो क्या है यहाँ पर मध्य प्रदेश से क्या वैरायटी आप लेके आए हैं? जबलपुर से हमारे यहाँ पर देशी मोदक आया है, जो देशी मोदक में हम लोगों ने 8 प्रकार का आटा, मक्का ज्वार बाजरा ऐसे 8 प्रकार का आटा है, और जो कच्ची सब्जी है उसका हम लोगों ने पेस्ट बनाते हैं। जब उसको पेस्ट को हम लोग बनाते हैं, तो आप जब उसका टेस्ट जो है कि उसको हटके है, आप जब उसको खाएंगे तो आपको पिज्जा अपन जो खाते हैं ना वो आप भूल जाएंगे, उससे बढ़ के इसका टेस्ट है। पूरे हिंदुस्तान में ये देसी मोदक नहीं मिलेगा। गणेश जी वाला मोदक तो मिल जाएगा मीठा वाला, लेकिन नमकीन मोदक नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या लेके आए हैं एमपी से? हमारा जिराई पोहा है, एक हमारी काका दावेली है, जो काका दावेली हमारे 14L14 में लगा हुआ है स्टॉल है, उसमें नेशनल अवार्ड हमारी काका दावेली ने वो जीता है। और जो हमारा जो दावेली का सबसे बड़ा काम है हम लोगों का, उसमें कि जो हम लोग पेस्ट आप अभी जो दावेली खाते हैं उसमें आप अनार आलू वगैरह वगैरह की आप दावेली कहीं खाते होंगे, लेकिन जो हम लोग अपना घर का जो मसाला है कम से कम 108 प्रकार का, उसमें हम लोग मसाले का पेस्ट बनाते हैं। वो पेस्ट बना के हम लोग उस पाव में लगा के दावेली बना के हम लोग देते हैं, जिसका टेस्ट संजू कपूर जो अपने यहाँ पे कुक हैं, उनने भी हमारी दावेली का टेस्ट किया और उनने भी देखा, और यहाँ तक कि उन्होंने पूछा कि इसमें मसाला आप डालते क्या हैं। तो इस तरह का ये प्रकार का हम लोग हटके चीज़ लेके आए हैं, और हम लोगों को IHM जो हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का है, हमारे यहाँ पर KG दुबे जी प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल जी ने हम लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दी, और ट्रेनिंग में हम लोगों को एक ही चीज़ का सिखाया कि गोपाल जी, अगर आपको आपके स्टॉल को और आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको 2 चीज़ पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, कि एक तो टेस्ट हटके होना चाहिए और दूसरा उसका नाम हटके होना चाहिए। तो आज के इस जो प्रांगण में आपको लग रहा है कि ये टेस्ट और जो आपको स्वाद अलग हटके दिया है उसका फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने? मैडम, खाने के तो छोड़ दिए, खाने के तो लोग आ ही रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो पैकिंग करा के भी लेके जा रहे हैं, पैक करा के लेके जा रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से जाने के बाद में मैं अपने दोस्तों को और अपने मोहल्ले में जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको बताऊंगा। तो दिल्ली में पहली बार आप आए हैं ये फूड स्ट्रीट फेस्टिवल में, या फिर? 5 साल हो गए, 5 साल से रेगुलर हम लोग आ रहे हैं। जैसा हम ये देख पा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ से कुछ मीठा हमारे लिए लेके आए हैं, तो आप बताएंगे ये क्या है और क्या कैसे बनाया जाता है इसको? हाँ, एक खाजा है और इसे मैदा से बनाते हैं, घी और मैदा से, और शक्कर में उस चाशनी में उसको पाकते हैं ना,
उसके उसमें प्रसाद भी लगता है। ये छत्तीसगढ़ में इसका बहुत महत्व है। इसका इसके अलावा और मीठे में आप लोग छत्तीसगढ़ से क्या लेके आए हैं? खुरमी। वो गुड़ से बनता है और गेहूँ आटा से घी से बनता है। दर्शाने आए हैं यहाँ दिल्ली के लोगों को, क्या स्पेशल लेके आए राजस्थान से? ये स्पेशल लेके आए हम, राजस्थानी हमारी कला है, हम लोग जो हाथ का बनाने वाले हैं, पूरा हैंडवर्क है पूरा ये, तो ये सभी लोगों को पसंद आता है डेकोरेट करने के लिए घर में, किसी को गिफ्ट करने के लिए, और पापड़ से जो शुभ माना जाता है गुड लक के लिए, तो ये सब लोग यहाँ खरीदते, इसलिए आए हैं हम। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप? नहीं, अभी स्टार्टिंग अच्छा है, अभी तो कल सैटरडे संडे भी है तो बेस्ट होगा जहाँ तक हमारा अंदाज है। अच्छा, आप लोग गार्गी कॉलेज से सारे के सारे आए हैं, तो कैसा खाने पीने का क्या अरेंजमेंट, कुछ खाया अभी तक या सिर्फ काफी? क्या क्या खाया आप लोगों ने? हमने छोले भटूरे खाए, पंजाब के गलौटी कबाब, लौंग लता, लिट्टी चोखा, और नवाबी मक्खन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो कैसा लगा कि लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया जो हमें अलग अलग वैरायटी है वो यहाँ मिल रही है? स्टेट्स का खाना पता लग। अच्छा, जैसे आपने बोला ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक में वो फ्लेवर्स लग रहे हैं कि हाँ कुछ डिफरेंट है या वही घर? दे आर वेरी एक्सेप्शनल, हमने जैसे और भी ये चीज़ें बाहर खाई है उससे कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उसके अलावा कुछ और, जैसे ये बैंड वगैरह है कुछ, उसको देखा या कुछ और एंजॉय किया? नाइस, एवरीथिंग इज नाइस, लाइव परफॉर्मेंस, फूड, एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, पहली बार आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं या पहले कभी जो स्ट्रीट फूड फेस्टिवल लगे हैं जो आगे भी उसमें भी आते हैं? फूड फेस्टिवल फर्स्ट टाइम। हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला तो हम कॉलेज से आ गए, बट इट्स वेरी नाइस क्योंकि दे हैव ब्रॉट ऑल द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया इन वन प्लेस एंड एवरी डिश हैज़ इट्स ओन स्टेट का टच, एथनिक टच है उसमें, तो बहुत ही अच्छा है और बैंड परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब तो किसी और को रेकमेंड करोगे? दो दिन और अभी बाकी है यहाँ पर संडे। कॉलेज फ्रेंड्स, सारे नॉलेज फ्रेंड्स को बोलेंगे जो नियर बाय है आना चाहिए।